देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है, जिसके खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवर विभिन्न संगठनों के माध्यम से चक्का जाम हड़ताल कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में नागपुर में भी यह आंदोलन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट के शहर अध्यक्ष नितिन तिवारी की अध्यक्षता में भंडारा रोड पर आंदोलन किया गया। मीडिया से बात करते हुए नितिन तिवारी ने कहा कि ड्राइवर ये देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए सरकार ने ये कानून वापस लेना चाहिए। ये सिर्फ चेतावनी है, आगे देश के सभी हाईवे बंद किए जाएंगे। जय महाराष्ट्र। मैं नितिन तिवारी, शिवसेना शहर प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे, आज नागपुर के कलमना के चिकली चौक पर आज तमाम ड्राइवर जिला संगठना के नेतृत्व में तमाम ड्राइवर बंधुओं के साथ काले कानून की वापसी के लिए आंदोलन किया गया है। वह काला कानून जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हाल ही में संसद में पेश किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत कानून की कलम 106(2) और 125(b) के तहत नए गुना दाखिल कराए जाने हैं, जिसमें ड्राइवरों को रैश और निकलीजेंसी ड्राइविंग के लिए उनके 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और उसमें नॉन वेलेबल ऑफेंस है और उसमें जुर्माना की कोई सीमा नहीं है, और 125(b) के तहत इसके तहत 3-6 महीनों की सजा और जुर्माना 5,000। मुझे ये बताइए, ये ड्राइवर देश के रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, ये देश की अर्थव्यवस्था ना कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेके आसाम और आसाम से लेके कन्याकुमारी तक माल पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम ये ड्राइवर बंधुओं द्वारा किया जाता है। और इसलिए यदि यहाँ की सब्जी वहाँ और वहाँ का फल वहाँ, यहाँ का राशन वहाँ, देश में पहुंचाने का काम रीढ़ की हड्डी में ट्रांसपोर्ट द्वारा ये ड्राइवर बंधु करते हैं। और यदि इनके साथ, क्योंकि इस कानून का एक बड़ा लकुना है कि यदि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट स्थिति में रुक के यदि मदद पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी सजा कम की जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।